अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम हसन है। हसन साहब कहाँ से आए? मैं बेसिकली दीपालपुर से हूँ। दीपालपुर से हैं सर, बहावलपुर कभी जाना? नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ। कुछ आइडिया है कैसा माहौल है? आइडिया नहीं, रिसेंटली एक जो इंसिडेंट हुआ है उसके हवाले सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चला है कि जो इनके सिक्योरिटी चीफ था उनके हवाले से जो लड़कियों के कुछ वीडियोज़ उनके पास थी, उसके बाद उनका जो एक इस्तेमाल किया गया, वीडियोज़ उनके मोबाइल में रिकवर हुई हैं। थ्रू पुलिस एक चेक पोस्ट पर उन्होंने जब उन्हें रोका गया उसी दौरान कुछ मंशियात उनसे बरामद हुई। मंशियात के बाद उनका जब मोबाइल चेक किया, मोबाइल के अंदर ऐसी वीडियोज़ नादेबा वीडियोज़ थी जो ड्यूरिंग जो स्टडी कर रही हैं लड़कियाँ उनकी वीडियोज़ थी, और उसके अलावा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था, ब्लैकमेल करके उनकी वीडियो बनाई जाती है और उनका एक इस्तेमाल किया जाता है। सर, बहावलपुर बेसिकली एक बैकवर्ड सा इलाका है, वहाँ पर खवातीन को पढ़ने की इतनी इजाज़त नहीं। जी बिल्कुल, इस तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सब उन पेरेंट्स को सलाम पेश करता हूँ जो अपनी बेटियों को इजाज़त देते हैं और इतना प्रमोट करते हैं, इतना प्रोटेक्ट करके वो पूरी सोसाइटी को फेस करने के बाद वो अपनी बेटियों को इजाज़त देते हैं जाके वो स्टडी अपनी हासिल कर सके, यूनिवर्सिटी में पढ़ सके। सर ये कहिएगा आपको लगता है कि ये एक कुछ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अहदेदारों का ये कहना है कि ये हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है, और टू सम एक्सटेंट दोनों पहलू आवाम को भी देखने होंगे और उनको भी देखने होंगे और कानून को भी देखने होंगे, हो सकता है कि पॉलिटिकली यूज़ किया जाए या किसी और तरीके से बच्चियों को पढ़ने से रोकने के लिए ये हो रहा है? नो, देखें, एज पर माई ओपिनियन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। इसमें देखें, सोसाइटी की तो वेलफेयर है ना, अगर बच्चियाँ पढ़ रही हैं, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक औरत को बढ़ाते हैं उसका मतलब ये है कि आपने एक ख़ानदान को बढ़ाया। औरत को बढ़ाने का मतलब है आपने एक ख़ानदान को बढ़ाया। अब जब औरत पढ़ रही है उसमें नुकसान तो कुछ भी नहीं है। अभी तक ये सामने नहीं आया कि वीडियोज़ जो हैं किसी ने हिडन कैम से बनाई है, ये तमाम से तफसीलात बाहर। जी देखें, सबसे पहले तो अभी पुलिस भी इस मामले को इतना उछालना नहीं चाह रही, ना उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है ना वो शो करना चाह रही है, वो भी किसी की बेटियां हैं। अगर इस तरह उनकी इज्जत बाहर सरेआम मतलब नहीं सर, जिसको पकड़ा है उसकी तो करनी चाहिए। जी जिसको पकड़ा है उनकी स्टेटमेंट भी आ चुकी है ना, वो कहता है मैं अकेला मुलविस नहीं हूँ इसमें, पूरी इंतजामिया है। पेरेंट्स तो डर गए हैं, माशाल्लाह बिल्कुल डर गया है माशाल्लाह। आप देखें जो इतनी मतलब आप कोशिश करने के बाद अपनी बच्चियों को पूरे एक कह लें कि सारी सोसाइटी को फेस करने के बाद वो तालीम दिलवा रहे हैं, तालीम दिलवाने के बाद अब मजीद उनके साथ ये इंसिडेंट हो गया है। वो तो चाहते कि वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे ना कि हमारी बच्चियों की वीडियो से सरेआम आए, वो कभी चाहेंगे कभी भी नहीं चाहिए। 400-450 एक फैमिली की अगर हम बात करें, एक नहीं गई, दो नहीं गई, 100 नहीं गई, 200 नहीं गई, 450 फैमिलीज़ में किसी ने अपने फैमिली से बात नहीं की, आपके ख्याल में बात की जानी चाहिए? बिल्कुल बात की जाए। देखें इसमें अगर एक लड़की भी आवाज़ बुलंद करती, अगर एक लड़की भी कंप्लेन करती, चाहे वो कंप्लेंट FIA को करती, चाहे वो कंप्लेंट लोकल पुलिस को करती, अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती तो ये सारा डाटा पहले ही रिकवर हो जाता और मजीद इसमें जो बेचारी शिकार हुई वो इससे बच जाती। ये पहले शिकार आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी और अभी भी तमाम पहलुओं को देख के ज़रूर आवाज़ उठाई जानी चाहिए, और अगर ऐसी वीडियोस बरामद हुई हैं तो उनको लीक होने से बचाने के लिए भी प्रॉपर काम होना चाहिए। सर मुझे ये कहिएगा, अगर ये तमाम तर वाक्य सच्चा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपके ख्याल में इसको रोका कैसे जाए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें जी, एक तो जो आप कह रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्सिटी कल्चर है, जो वालदैन है ना वो बच्चों को बड़ी मुश्किल से तलीम दिलवा रहे हैं, और दूसरा वो सोसाइटी को फेस करते हैं, अपनी फैमिली को फेस करते हैं और बच्चों को तलीम, स्पेशली फीमेल को वो तलीम दिलवाते हैं। अब रोकने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया वो इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए ना कि बच्चों के जो एग्ज़ाम है, ड्यूरिंग एग्ज़ाम उनके जो पेपर मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी में चेक ही नहीं होने चाहिए। जो प्रोफेसर, जो टीचर उन्हें बढ़ा रहा है, जो उन्हें क्लासेस दे रहा है ना, वो उनके पेपर चेक ही ना करे, ताकि उसके हाथ में मार्क्स देना हो ही ना। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के माशाल्लाह इतने ज़्यादा प्रोफेसर होते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटी में वो पेपर ट्रांसफ़र किए जाएँ, वो सारा चेक करने के बाद उनके मार्क्स दे, खुद ही ख़राब है ना, वो क्यों करेगी ऐसी फैसिलिटीज़ आवाम के लिए जिससे उनके शिकार जो है वो निकल जाए मुबैना तौर पर। सर ये कहिएगा, वालिदैन और बच्चों में गैप जो है कम्युनिकेशन, बच्चों को इतनी देनी चाहिए छूट कि वो अपने माँ बाप से खुल कर बात कर सकें? एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन मसला ये है, अब बच्चे डरते हैं इस बात से हैं कि अगर हमने वालदैन को बताया तो वालदैन फौरी कहेंगे आप तलीम छोड़ दें और घर बैठ जाएं। यही तो गैप खत्म, गैप खत्म होना चाहिए। अब गैप खत्म होने के लिए अवेयरनेस लाजमी है, अवेयरनेस कैसे आएगी, वो तलीम से आएगी। अब जब तक आप उन्हें तलीम नहीं दिलवाए तो अवेयरनेस कैसे आएगी? अब तलीम हासिल करने के लिए वो बेचारे ऑलरेडी हो रहे हैं शिकार, हो रहे हैं डिफरेंट प्रोफेसर का, डिफरेंट टीचर्स का, और इसलिए सिर्फ नंबरों के लिए और पास होने के लिए। करें हम जो भी आजकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट बेहद हाई है, अगर एक हाई मेरिट यूनिवर्सिटी में किसी का एडमिशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो एक लाइक बंदा है, वो पोजीशन होल्डर है, तो दोबारा नंबर कम आने की वजूहत कम पैदा हो जाती है ना, तो उनका ये कहना है कि जिनके नंबर कम आ रहे होते हैं उनको झांसा देते हैं कि आपके नंबर ज़्यादा कर देंगे, तो आपको लगता है कि नंबर्स का मसला होगा कोई? देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जायज़ उनको फेल कर नजायज़ फेल करने वाली बात है,
पहले जो सारी सोसाइटी की करीम होती है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की, आपने फरमाया मेरिट मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है, और जो चंद एक स्टूडेंट होते हैं बड़ी अलीट करीम होती है ना सोसाइटी की, उनका एडमिशन होता है। अब एडमिशन होने के बाद जब वहाँ पे प्रोफेसर होते हैं उनके हाथ में होता है जो एडिशनल मार्क्स देते हैं, वो तो उन्होंने देने होते हैं। अब वहाँ पे उनकी जो वो कह लें आप ब्रिलियंट हैं या उनकी इतनी एफिशिएंसी या जो सारा कुछ होता है वहाँ पे खत्म, वो तो टीचर के हाथ में आ जाता है, वो नंबर टीचर ने देने होते हैं। स्कॉलरशिप के बच्चे जो होते हैं या जो इतने लायक बच्चे हैं उनके लिए एक एक पॉइंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो CGPA मेंटेन करने के लिए मुस्तकबिल के लिए अच्छे। और आजकल पाकिस्तान में बेहद ज़्यादा जो है मेरिट हाई है। सर ये कहिएगा कि अब इंतज़ामिया जिस किस्म की है वो पर्दे डाल रही है, हालांकि डालनी चाहिए, अगर किसी की गलती है, कोई काली भेड़ अंदर है तो उसको नॉमिनेट करके वो मसला हल होना चाहिए। आपको लगता है इस तमाम तर मामले से कोई फ़ायदा होगा और कोई सुधार पैदा होगा और मुस्तकबिल में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, या कोई आपको इसके ऊपर कोई गारंटी? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे लगता है ना, जो कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट है ना वो पुलिस है, वो इंटेलिजेंसी हमारी एजेंसीज हैं, वो हमारा FIA का डिपार्टमेंट है, ये सारे एक मुश्तरका तौर पे कार्रवाई करें, जो जो इसमें मुलविस हैं उन सबको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए, सारे जो एविडेंस है उनके पास से कलेक्ट की जाए, रिकवर की जाए उनसे। अब देखें हर बंदे का मोबाइल लें, मोबाइल का पूरा वो फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवाएं मोबाइल की, अगर ऐसी वीडियो जिसके मोबाइल में है, बल्कि माशाल्लाह अब तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज हो, अब तो गायब हो गए होंगे मोबाइल फोन, मोबाइल फ़ोन सारा कुछ ही रिकवर हो जाएगा। देखें अब जिसके पास जो बंदा इस चीज़ में शामिल है उसने फ़ोन ठिकाने नहीं लगाया होगा, फ़ोन ठिकाने कहाँ पे लगाएगा मुझे ये बताएं। एट द एंड जब वो बंदा अरेस्ट होता है CDR में, अगर आप CDR निकलवाते हैं ना उसके अंदर IME नंबर आता है CDR में, वो कोई बहाना, फ़ोन होना बेहद ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि ये खबर बाहर आने से पहले वो तमाम तर लोग उठा लिए जाते? खबर आने से पहले तमाम तर लोग उठा, अभी भी टाइम है कि कुछ जो जिनके नेम इसमें आ रहे हैं, जो चीफ साहब डिस्क्लोज कर रहे हैं, उनको अरेस्ट करें, उनसे वो चीज़ें सारी रिकवर करें, और रिकवर हो जाएंगी तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लैपटॉप है लैपटॉप रिकवर करें, मोबाइल फ़ोन है मोबाइल फ़ोन रिकवर करें, और उनके अंदर डाटा अगर है वो थ्रू CDR भी कनेक्ट होंगे कि फलां फलां बंदा इसमें शामिल है। और वो सर CDR से हमारे मुल्क में कानून हैं, अदालतों में सबूत मांगे जाते हैं, उसके लिए वही फ़ोन होना ज़रूरी है जिसमें रिसीव हुआ और जिसमें जो है ये प्रोसेस हुआ या बना। मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अदालतों का कहा जी जो अपना PEPSA की रिपोर्ट कह लें, जो पंजाब फॉरेंसिक लेबॉरेटरी से रिपोर्ट आती है, अब वही फ़ोन होना लाजमी है। मैं CDR का बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ, पुलिस सबसे पहले CDR निकालती है। CDR से क्या मिलेगा? CDR से कॉल रिकॉर्ड मिलता है, और उसके बाद मोबाइल का जो IME नंबर है वो मिलता है। अब जो मोबाइल का IME नंबर है उससे पता चलेगा फलां बंदे के पास फलां फ़ोन था, अभी अगर उसने फ़ोन चेंज किया तो पता चले ये तो वो फ़ोन ही नहीं है, वो कहे मेरा चोरी हो गया गुम हो गया, रपट क्या कोई FIR रपट वगैरह दर्ज। बट अब जब सारा मामला पता है तो वो रिपोर्ट करवा देगा, कल ही चोरी आएगा, मतलब उसकी जो मेलाफेडी है उसके पार्ट पे वो शो हो जाएगी। मुश्किल है ना सर? मुश्किल मेरे ख्याल में हमारी एजेंसी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर हमारी एजेंसी चाहें तो 100% मैं कहता हूँ जो जो बंदे इसमें शामिल हैं वो सारे अरेस्ट हो सकते हैं, वो सारे उनसे वो सबूत वो रिकवर हो सकते हैं। कितने मुमकिन नहीं है? आप कितने पूरी उम्मीद है कि हमारी एजेंसी या हमारे इदारे चाहेंगे और ऐसे बंदों को निकाल जी? इस वाक़े के हवाले से मैं 99% श्योर हूँ कि ये हमारे इदारे के इस पर एक्शन लेंगे, और इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे, और जो जो बंदे इसमें शामिल हैं उन्हें कैफरे करदार तक ज़रूर पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाज़रीन हर पॉइंट को डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है ताकि हम सब भी बेहतर तरीके से समझ सकें कि वाकई असल में मामला है क्या। बहुत सी खवातीन इसमें इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान की एक बड़ा इदारा जो है इसमें इन्वॉल्व है, और वो भी उस इलाके का जहाँ पर खवातीन की तालीम के हवाले से बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। तो होगा क्या, फ्यूचर हमें बताएगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा जो भी होगा।